हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद के लिए कमेटी के मुख्यालय छठी एवं नौवीं पातशाही गुरुद्वारा चीका में आज हुए चुनाव में जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने अपने प्रतिद्वंदी जसबीर सिंह खालसा को 2 वोट से हराकर जीत हासिल की। चुनाव परिणाम की जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी दर्शन बराड़ी ने बताया कि कमेटी के कुल 36 सदस्य हैं, जिनमें सभी ने चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें दादूवाल को 19 व खालसा को 17 वोट हासिल हुए और 2 वोटों से दादूवाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान चुने गए। करीब 6 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया गया था। जानकारी के अनुसार शुरुआती दौर में ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि चुनाव की अपेक्षा सर्वसम्मति से ही स्थायी प्रधान बना दिया जाए, परंतु कमेटी के सदस्यों में अचानक धड़बंदी पैदा हो गई, जिस कारण कमेटी के सदस्य झींडा गुट व दादूवाल गुट के रूप में 2 धड़ों में बट गए और चुनाव की नौबत आ गई। दादूवाल ने चुनाव में गड़बड़ को रोकने के लिए मीडिया ट्रायल का सहारा लिया। चुनाव के दौरान जब प्रशासन द्वारा मतदान रोका गया तो दादूवाल गुट इस बात को लेकर आशंकित हो गया कि कहीं प्रशासन की झींगा गुट के साथ कोई सेटिंग तो नहीं है, क्योंकि उस समय तक दादूवाल समर्थक 9 सदस्यों द्वारा वोट डाली जानी बाकी थी और उन्हें भी प्रशासन ने बिना कोई कारण बताए वोट डालने से रोक रखा था। यही नहीं, दादूवाल गुट इससे पहले चुनाव अधिकारी दर्शन सिंह बराड़ी पर भी खुला आरोप लगा चुके थे। वे चुनाव के दौरान एक तरफा कार्रवाई करके झींडा गुट को चुनाव जितवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दादूवाल ने चुनाव अधिकारी की उक्त शिकायत भी प्रशासन के समक्ष की, परंतु जब प्रशासन ने दादूवाल गुट की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और दूसरी तरफ से उनके 9 समर्थकों को वोट डालने से रोका, तो दादूवाल ने अपने समर्थक 19 सदस्यों के साथ मीडिया ट्रायल किया और दावा किया कि 36 सदस्यों में से 19 सदस्यों का खुला समर्थन उनके साथ है, जिसके चलते वे प्रधान पद का चुनाव सीधे सीधे जीत गए। सिख समाज के हितों के साथ साथ सिखी के बढ़ावे के लिए करेंगे काम दादूवाल। प्रधान पद का चुनाव जीतने के बाद जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका और सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे जहां सिख समुदाय के उत्थान व सिखी के बढ़ावे के लिए न केवल हरियाणा अलबत्ते पूरे विश्व में भरसक प्रयास करेंगे, वहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केसों की पूरी तरह पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा, शिक्षा और चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ साथ नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए भी अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे और वे सभी ऐसे प्रयास करेंगे जिससे समाज के हितों को बढ़ावा मिल सके। और जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2014 में हरियाणा के सरकार द्वारा बनाई गई थी। अब 6 साल बाद इसका जो मुख्य सेवादार का इलेक्शन हुआ, 1 महीना पहले आज के दिन 13 जुलाई को पूरे जनरल हाउस का मीटिंग में जो सभी एग्जेक्टिव के इस्तीफे प्रवान किए गए थे और तब मेरे को सभी मेंबर साहबानों ने फोर्स करके मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे को कार्यकारी प्रधान बनाया था और इतना प्यार दिया मेरे को सभी मेंबर साहबानों ने, मेरे को कार्यकारी प्रधान बनाया था सर्वसम्मति से। लेकिन बाद में सरदार जगदीश सिंह झींडा जी, जिन्हों का असं सत्कार करते हैं, उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वास्ते, प्रबंधक कमेटी वास्ते बड़ा संघर्ष किया, उन्होंने सारे साथियों ने असी भी उन्हों का पूरा सहयोग दिता। उन्हां वालों जिहड़ा सिख धड़ा बनाया गया सर्वसम्मति तो पिछे हट गए। इलैक्शन 13 अगस्त आज का जो था वो मैंने अनाउंस किया था। आज ये इलैक्शन होया प्रशासन की देख रेख में, तो आप भी सभी मीडिया गण जहाँ थे आपने देखा सारा। गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6वीं और 9वीं चीका जो मुख्य दफ्तर है हरियाणा कमेटी का, इसमें आप चुनाव जो है खत्म हुआ है और मेरे 19 जो आज वोट 32 में से जो चोन अधिकारी है उसने 37 वोट डलवाए हैं, लेकिन जो 5 वोटें उन पर हमको इतराज था। हमने SDM साहब को लिख कर दिया है कि जो 5 वोट
जहां हरियाणा कमेटी के नहीं है इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, हमने रिक्वेस्ट की है सभी मेंबर साहबानों ने, तो आज एक तरफ 12 और एक तरफ 19 जो पांच जो है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए हमने उनको बोला है। तो हम सभी मेंबर साहबानों का सत्कार करते हैं, जो हमारे SGPC के हैं हम उनका भी सत्कार करते हैं, तो वहाँ श्री अमृतसर साहब में ड्यूटी निभा रहे हैं वहाँ ड्यूटी निभाएं, लेकिन जहाँ जो हरियाणा कमेटी के मेंबर साहबान हैं वो इस एक्ट को जो मानते हैं वही जहाँ ड्यूटी निभाएं। तो आज 12 और 19 के फ़र्क से, वैसे चोन अधिकारी ने तो 37 वोटें डलवाई हैं लेकिन 32 वोटें थी, हमारे पहले दिन से इतराज था, तो इतने भारी बहुमत से इन्होंने, मैंने कभी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा, तो ये हमारे जो मेंबर साहबान हैं इन्होंने ही मेरे को ये सेवा के लिए चुना था, मेरे को हुक्म किया, उनका हुक्म मानते हुए मैं इनका कैंडिडेट बनाऊं। और आज मैं सबसे पहले तो अकाल पुरख वाहिगुरु का धन्यवाद करना चाहता हूं, अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा से गुरु नानक साहब के 13-13 हुए हैं, 13 तारीख को मेरे को कार्यकारी प्रधान बनाया गया, आज 13 तारीख को मुख्य सेवादार पक्के तौर पे बना दिया गया, जितना जो टर्म है जो हरियाणा कमेटी के एक्ट के अनुसार। तो मैं जैसे सबसे पहले अकाल पुरख वाहिगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शुक्रगुजार हूँ, और फिर अपने मेंबर साहबानों का जिन्होंने मेरे में भरोसा जताया है, लेकिन मैं दूसरे मेंबर साहबानों को भी बेनती करूँगा जो 12 मेंबर इस एक्ट के अधीन जो वोट का हक रखते हैं वो सभी आए, हम सारे रलकर, हमारा किसी से कोई एतराज नहीं है, जो वोट का हक रखते हैं जिन्होंने हरियाणा कमेटी के लिए काम किया वो सभी हम रलकर हरियाणा के जो गुरुद्वारा साहब हैं उनका सुचारू प्रबंध करें, धर्म प्रचार करें, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसको हम फाइट करें, फेस करें, और हरियाणा कमेटी के हक में करने के लिए हम, मैं ये बेनती करना चाहता हूँ जो सभी को जितने भी हमारे साथी हैं और हरियाणा की सिख संगतें हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जो हरियाणा की सिख संगतों इस भावना को, इस उम्मीद को, आस को लेकर बैठी थी कि जहाँ धर्म प्रचार हो, तो मैं उनकी सेवा में पूरे संसार में जाता हूँ धर्म प्रचार के लिए, मेरे सेंटीमेंट्स, मेरे भावनाएं पूरे संसार में बसते सिखों और गैर सिखों से भी, क्योंकि गुरु साहब का उपदेश सरबत के भले का है, सभ्य सांझीवाल सदायन का है, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा है, मानस की जात सब है एक है पहचान वो का उपदेश है गुरु साहब का। तो सारे भाईचारे के लोग जो हरियाणा में हिंदू सिख मुसलमान ईसाई बोधी जैनी बसते हैं और पूरे भारत में और पूरे संसार में सभी जो मानवता है, मेरे सेंटीमेंट्स, मेरी भावनाएं सभी से जुड़ी हुई हैं। हम जहां सुचारू प्रबंध करेंगे, जो पांच गुरुद्वारों का प्रबंध है इसके साथ पांचों गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार, अमृत संचार, और इसके साथ ही जितने मेंबर साहबान हैं उनके हलकों में जाकर धर्म प्रचार करेंगे, धर्म प्रचार के लिए रागी जथे, ढाडी जथे भर्ती किए जाएंगे जो पांच प्यारों में सेवा निभाएं, क्योंकि 6 सालों में 6 अमृत संचार भी नहीं हो पाए, हरियाणा कमेटी जो रन करते थे हमारे प्रबंधक, हमने तो सहयोग ही दिया, लेकिन अब इन्होंने इसी बात को लेकर हमारे मेंबर साहबानों ने मेरे को जो आगे किया, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ, सबको श्रेय, और मैं साथ ही प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जो है अमन शांति बनाई रखी है, सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जहाँ, लेकिन मेरा ये एतराज जो है मैं सरकार के पास, प्रशासन के पास मैंने रखा है, वो भावें इलेक्शन हो गई हैं, मेरे को डिक्लेयर कर दिया है मुख्य सेवादार के लिए, फिर भी मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि जो मेंबर हक नहीं रखते उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, और जो प्रशासन और मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो मीडिया ने अपना जो रोल निभाया है जहाँ आकर, सभी मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सिख पंथ का सेवादार हूँ, सेवा करता हूँ, धर्म प्रचार गुरु घरों की सेवा मेरे पास इंडिविजुअल तौर पर भी प्रबंध है, मेरे को पूरे पंथ ने, खालसा पंथ ने, सरबत खालसा 10 नवंबर 2015 को शहीदों की धरती चंबा में सरबत खालसा का जथेदार तक श्री दमदमा साहब का मेरे को अनाउंस किया था, वो सेवा भी मैं निभा रहा हूँ। तो आज मेरे को जहाँ का जो हरियाणा कमेटी का मुख्य सेवादार बना दिया, पहले तो मैं कार्यकारी था, अब पक्के तौर पे बना दिया है एक कर्म के लिए, तो इसलिए मैं बेनती करना चाहता हूँ कि जो सरबत खालसा द्वारा तख्त श्री दमदमा साहब का जथेदार मेरे को बनाया गया था, वो बहुत बड़ी सत्कार योग जो जगह है, सत्कार योग अहदा है, वो सत्कार योग जो है वो तख्त है, तो पूरे संसार के सिखों की उनके साथ भावने, बहुत बड़ी सेवा है वो, लेकिन आज मेरे को जे छोट उसके सामने, तख्त की सेवा के सामने जे बहुत छोटी सेवा है, लेकिन इन्होंने छोटी सेवा के लिए मेरे को पक्के तौर पर चुन लिया है,
तो मैं अपने सरबत खालसा पंथ को, सरबत खालसा जथेबंदियों को बेनती करूंगा कि वो उस बड़ी सेवा के लिए वो मेरी जगह किसी को भी वो वहाँ जो है नियुक्त कर सकते हैं। मैं जो छोटी सेवा जो मेरे को दी गई है वो तख्त की सेवा के सामने जो बड़ी छोटी सेवा है, क्योंकि वो तख्त साहब की बहुत बड़ी सेवा है, तो मेरी जगह किसी को भी वो सेवा मैं उनसे बात करूंगा। हरियाणा के गोहला चीका से शमशेर सिंह की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।